हल्द्वानी में शहर के विधायक और स्थानीय लोगों ने कूड़ा समाधान के लिए प्रदर्शन किया। विधायक ने नगर निगम से जल्द कूड़े के समाधान की अपील की। वहीं वन भूमि में कूड़ा डालने से गोलापुर और इंदिरा नगर के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस फैलते कूड़े के चलते लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं कूड़े का पहाड़ फोर लेन हाईवे तक पहुंच गया है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया है। हल्द्वानी नगर निगम को वन विभाग ने 4 हेक्टेयर भूमि कूड़ा निस्तारण प्लांट बनाने के लिए इस शर्त पर जमीन दी थी कि नगर निगम इस क्षेत्र में कूड़े का निस्तारण करे, लेकिन नगर निगम ने कूड़ा ट्रैचिंग ग्राउंड के सामने आरक्षित वन भूमि में कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं। वहीं अब कूड़े का पहाड़ फोर लेन हाईवे तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। समस्या और परेशानी को देखते हुए हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ट्रेंचिंग ग्राउंड पर नगर निगम और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि विधायक ने नगर निगम से जल्द कूड़े के समाधान की अपील की। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सड़क पर कूड़ा डंप कर रही है, यहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाई गई ट्रेंचिंग ग्राउंड की, कई लाख रुपए की बर्बादी करके, और अब कूड़ा सड़क पे फेंका जा रहा है, डिवाइडर पे फेंका जा रहा है। अभी मेरी जो स्वास्थ्य के अधिकारी नगर निगम के, उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कुछ गतिविधि बताई है जो नगर निगम संबंधित ट्रेंचिंग ग्राउंड संबंधित है, तो मैंने उन्हें हफ्ते की जगह 15 दिन दिए हैं। क्या 15 दिन में स्थिति में अगर हमें सुधार नहीं दिखा तो इस बारी बड़ा जन आंदोलन होने की यहाँ पे तैयारी हम कर रहे हैं। परेशानी हो रही है हमें सांस लेने की, बहुत बदबू आ रही सांस लेने में, और पूरा पूरा इंद्रनगर यहाँ का परेशान है, और इस वजह से पूरा हल्द्वानी परेशानी में है कि हल्द्वानी वालों को इतनी परेशानी हो रही, बीमार हो जा रहे हैं, सुविधा तिवाड़ी पहुँच रहे हैं, अस्पतालों में पहुँच रहे हैं, बहुत दवा दारू करनी पड़ रही इसके लिए, और ये कूड़ा यहाँ से हट नहीं रहा साहब। ये बिल्कुल काम होता हुआ यहाँ नहीं दिखा जाएगा। पहले उन्होंने बाउंड्री कर दी दीवार यहाँ कि दीवार के पार पड़ेगा कूड़ा, अब वो दीवार को छोड़ करके यहाँ से डालना है रोड पे, हमारे दरवाजे पर है बिल्कुल।